आज का जो हमारा टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन या धार्मिक स्थिति की, तो इसे हम कुछ पॉइंटों में, 6-7 पॉइंटों में बांट के इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का जो समाज था, जब सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे तो मातृसत्तात्मक था, तो ये मातृशक्ति की पूजा करते थे। क्योंकि यहाँ पर लगभग 80-90% जो प्रतिमाएँ मिली हैं, जो चित्रकारी मिली हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, वो मातृ देवी से संबंधित मिली हैं, देवियों से संबंधित मिली हैं। उसके अलावा दूसरे में हम पढ़ेंगे शिव की पूजा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि आदि शिव की एक प्रतिमा, ये वाली आदि शिव की एक प्रतिमा मिली है और इसे आदि शिव कहा गया है, और इससे ये प्रमाणित होता है कि ये शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा तीसरे में पढ़ेंगे हम शिवलिंग की पूजा। ये ASI के स्रोत से लिया गया है, ASI की वेबसाइट से, तो वहाँ से इस प्रकार के बहुत सारे शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, पत्थर और सीप के बने हुए, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये शिवलिंग की भी पूजा करते थे। इसके अलावा अगर इसकी प्रति आदि शिव की प्रतिमा को देखें तो चारों तरफ बहुत सारे जानवर बनाए गए हैं, पशु बनाए गए हैं। इससे पता लगता है कि ये पशुओं की भी पूजा करते थे, जिनमें बैल, शेर, बकरी, सांप, मगरमच्छ प्रमुख था। इसके बाद बात करें तो वृक्ष उपासना, तो पीपल, नीम, तुलसी, इनकी पूजा किया करते थे, ये इसके प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा हमें एक स्वास्तिक का चित्र भी मिला है, जो मैंने आपको भी दिखाया था, ये स्वास्तिक का चित्र हमें मिला है, जो ये प्रमाणित करता है कि, इसके अलावा चक्र भी मिला है जो प्रमाणित करता है कि ये सूर्य देवता की उपासना करते थे, इस तरह से पता लगता है। इसके अलावा कालीबंगा और लोथल से अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, जिसमें हमन हुआ करता था, हमनकुंड के साक्ष्य मिले हैं और राख के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये भी पता लगता है कि प्रकृति की पूजा भी किया करते थे। इसके अलावा कुछ ताबीज़ भी प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जादुई शक्ति में भी विश्वास करते थे। तो अब इसके बाद इसके हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। अब बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न बिल्कुल सिंपल है। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति व लोगों के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए, बिल्कुल सिंपल रूप से लिखेंगे। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि हड़प्पा के लोगों का धर्म क्या था। देखो, मेन प्रॉब्लम है ये कि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है और कहना बहुत मुश्किल है कि हड़प्पा के लोगों का धर्म क्या था, परंतु उत्खनन से प्राप्त मोहर, छोटी छोटी मूर्तियों, जिनकी सहायता से धार्मिक जीवन के बारे में अनुमान लगाए गए हैं, इनकी धार्मिक स्थिति की व्याख्या निम्न प्रकार है। थोड़ा सा कर देंगे। पहला हेडिंग लिखेंगे मातृशक्ति की पूजा। इसमें हम लिखेंगे सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों से मिट्टी व नारी की बहुत मूर्तियाँ मिली हैं, ये देवीय शक्ति का प्रतीक है। इस सभ्यता के लोगों की मान्यता के अनुसार मातृशक्ति सभी उत्पत्ति का स्रोत थी। आप लोगों को पहले ही बताया गया था मातृसत्तात्मक समाज था, सामाजिक में पढ़ लिया था। एक मोहर में पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच में एक स्त्री खड़ी है, जिसके पास में एक व्यक्ति बकरी के साथ खड़ा है। जॉन मार्शल ने इसे महादेवी कहा है या मातृ देवी कहा है, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद शिव की पूजा। नंबर दो, मैं भी बताया था सिंधु घाटी के लोग एक देवता की पूजा करते थे, जिसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। एक मोहर पर तीन सिर वाले, जो भी दिखाया था आपको, सिर वाले व तीन सींगों वाले एक योगी की आकृति बनी हुई है, जिसे धर्म के देवताओं का प्रारंभिक रूप या आदि शिव माना गया है। तीसरा, शिवलिंग की पूजा। भी ASI के स्रोत से आपको एक शिवलिंग भी दिखाया था। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से पत्थर व सीप आदि के बने छोटे बड़े आकार के अनेक शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा में शिवलिंग की पूजा होती थी, जबकि कुछ इसे नहीं मानते। उसके अलावा पशु पूजा की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग बैल, शेर, बकरी, मगरमच्छ, सांप आदि की पूजा करते थे। इनके चित्र हड़प्पा से प्राप्त मोहरों से प्राप्त हुए हैं। कुछ ऐसे काल्पनिक देवताओं की मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिनका ऊपरी भाग मनुष्य जैसा है, वह पूंछ व खुर बैल जैसे हैं। तीसरा है वृक्ष उपासना। अभी बताया था तीन प्रकार के वृक्षों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग वृक्ष की पूजा करते थे। मोहरों पर पीपल वृक्ष के चित्र मिले हैं, जो इनके लिए पवित्र था। इसके अलावा तुलसी, नीम आदि वृक्षों की भी पूजा की जाती थी। उसके बाद प्रकृति पूजा में पढ़ेंगे। कुछ मोहरों से स्वास्तिक व चक्र की प्रतिमाएं मिली हैं, आपको बताया, जिससे सूर्य देवता की उपासना का अनुमान लगाया गया है। कोई प्रमाण नहीं, अनुमान है। कालीबंगा व लोथल से अग्नि वेदिकाएं, इसके बारे में बहुत बार बता दिया गया था आपको। हमनकुंड के साक्ष्य मिले हैं व राख के अवशेष मिले हैं। यज्ञ संबंधी अनुष्ठान के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद अगले पॉइंट में करेंगे जादुई शक्ति। हड़प्पावासी जादुई शक्तियों में, भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त बहुत सारे ताबीज़ मिले हैं,
एक तो ताबीज़ मिले हैं, दूसरा आपको बताता इलौकिक और परलौकिक। जब हम पढ़ रहे थे उनकी कब्रों के बारे में और उनके स्वाधान के बारे में, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रख दी गई थी। इससे माना गया कि जादुई शक्ति में दूसरे परलोक में भी विश्वास करते थे। यहाँ के उत्खनन से बहुत सारे ताबीज़ मिले हैं। भूत प्रेतों के प्रकोप से बचने के लिए इन्हें पहना जाता था। कुछ तांत्रिक भी होते थे जो जादू इलाज व दूसरी दुनिया से संपर्क होने का दावा करते थे। अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर जोड़ना चाहो कुछ और जोड़ देना अपनी तरफ से। काफ़ी बारे में इसके बारे में धार्मिक जीवन के बारे में चर्चाएं हो गई हैं। मोहरों का जिक्र कर देना, कुछ और अन्य जिक्र कर देना, फिर लास्ट में लिख देना उपरोक्त बिंदुओं से हड़प्पा की धार्मिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। फिलहाल आज इतना ही, बाकी अगला टॉपिक कल करेंगे। धन्यवाद।